थर्ड वालों की क्लास है, सॉरी फोर्थ वालों की क्लास है, लेकिन सिक्स्थ वाले भी होंगे कुछ। ठीक है, मैंने आपको बोला कि जिन बच्चों को जो वो फ्रैक्शन से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो पता नहीं है, तो वो इस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे आपकी क्लास जो सिक्स्थ वाले यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, आपकी क्लास 1 बजे होगी मैथ्स की, तो यहाँ पे जो वो मैं सिर्फ फोर्थ वालों से क्वेश्चन पूछूंगा, आपसे भी पूछ सकता हूँ, तो आप भी इसको जो वो अच्छे सुने। हम जो वो यहाँ पे जो फोर्थ वालों को आज हमने डिस्कस किया, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से जो वो हम लोग कैसे जो वो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, या मिक्स्ड फ्रैक्शन से जो वो इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, सब कुछ जो वो डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शन से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो एक बार मैं आज का जो हमने आज जो डिस्कस किया वो मैं आपको बता दूं क्या कैसे किया हमने, फिर जो वो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो बताओ जल्दी से, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस और नो? ओके यस सर। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट है वैसे अभी। अच्छा सभी एक बार जल्दी से टाइप कर दो नाम अपने, 1 मिनट में जल्दी से टाइप करो। खुशबू ठाकुर, तन्वी शर्मा, पल्लवी, कंचन, खुशबू, कनिका, यशवी, जल्दी है सभी, दिग्विजय, काव्या। ओके ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए सभी, आपको जो वो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है जल्दी से? 10,000, 10,000, 10,000, यस 1,000 पर, तो थाउजेंड। यहाँ पर ही आपने, यस वेरी गुड, यहाँ पर आपने देखना है। ठीक है ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। आज जो हमने किया, देखिए फ्रैक्शन जो वो दो टाइप के फ्रैक्शन, कई टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। देखिए फ्रैक्शन में जो वो हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर पढ़ा था अभी तक, ठीक है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा हमने, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर जो वो छोटा होता था डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो वो न्यूमिनेटर जो वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। सभी ध्यान से सुने, माइक ऑफ कर दें सभी, जो माइक ऑफ नहीं करेगा बीच में डिस्टर्बेंस करेगा तो उसको मैं बाहर कर दूंगा क्लास से। जैसे अभी दामिनी का माइक ऑन है बीच में, तो मैं किसी को भी जिसका माइक ऑन होगा बीच में, जब तक मैं ना बोलूं तब तक ना ओपन करें। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, जैसे एग्जांपल 3/5, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, जैसे 5/3 उल्टा लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे 5 बड़ा है, तो ये जो 5/3 है, जैसे मैंने यहाँ पे 5/3 लिखा, यहाँ पे ये जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप चेंज कर सकते हो इस फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, हमेशा याद रखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही चेंज होगा मिक्स फ्रैक्शन में, बाकी और चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 37/6 लिखा मैंने, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो 37 है, ये जो वो यहाँ पे डिवाइडेंट है, और 6 जो वो यहाँ पे डिवाइजर है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो वो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको डिवाइड के फॉर्म में, 37/6, तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो अब हमने क्या करना है, जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है किसी नंबर को, जैसे मैंने लिखा 31 को, मैंने 31/6 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो वो जो भी फॉर्म होती है वो होती है क्यू आर डी की फॉर्म में, क्यू आर डी की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे जो क्यू है वो जो कोशेंट है, आर जो रिमाइंडर है, बाकी डिवाइजर तो हमें पता है 6 है, तो यहाँ पे जो वो 6 ही आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 6 आ जाएगा, यहाँ पे कोशेंट और यहाँ पे रिमाइंडर पुट करना है आपने। अब देखिए कोशेंट तो हमने निकालना पड़ेगा, 31 को 6 से डिवाइड करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे फिल करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे रखेंगे, बाकी ये बन जाएगी मिक्स फ्रैक्शन में। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? ओके ओके ओके, माइक ऑफ करें सभी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कौन बोल रहा है बीच में? यस बोलिए जल्दी से। सर मैं लेट हो गई थी क्लास में, आप फिर समझा दोगे? लेट हो गए थे तो अभी क्लास शुरू हुई है, अभी अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, अभी मैं बता रहा हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से जो वो, अच्छा सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो बता रहा हूँ, तो वो सीखो सभी, सुनो सभी ध्यान से। जैसे मैं एग्जाम्पल अभी मैंने चेंज नहीं किया, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, तो 31/6 को मैं अब डिवाइड करूं, मैंने इसको क्यू आर डी की फॉर्म में लिखना है, बस इतना सा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मैं चेंज कर रहा हूँ इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मैंने सिंपली इसको डिवाइड करना है, जैसे आप डिवाइड करते हैं 31 को 6 से डिवाइड किया, अब 6 का टेबल 31 तक जाएगा, 6 5 जो होता है 30, तो 6 5 जो 30, और रिमाइंडर आ गया 1। देखिए रिमाइंडर 1 है, तो हमने जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो यहाँ पे क्यू की जगह देखिए 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि सॉरी क्यू की जगह जो वो 5 है क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्यू की जगह 5 आ जाएगा,
और रिमाइंडर जब वो यहाँ पे वन है, देखिए रिमाइंडर की जगह वन, और डिवाइजर तो पहले से ही हमें पता था सिक्स है, तो सिक्स आ गया, तो इसकी जो फॉर्म बन गई मिक्स फ्रैक्शन की वो बनी 5 and 1/6। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आपने सभी क्वेश्चन करने हैं बाकी वैसे ही, ठीक है? जो सिक्स वाले भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं उनको भी ये बातें पता होनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल अपोजिट लेकर के चलूंगा, मैं मिक्स फ्रैक्शन को लेकर के चलूंगा। मिक्स फ्रैक्शन होगा उसको जो आपने प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर में नहीं, याद रखिए मिक्स फ्रैक्शन हमेशा ही इम्प्रॉपर में चेंज होगा, मिक्सड हमेशा ही इम्प्रॉपर में चेंज होगा। और मिक्स फ्रैक्शन में एक और बात याद रखिए, जैसे मैं लिखा 3 and 1/5, यहाँ पे देखिए ये जो 3 है यहाँ पे होल नंबर है, और यहाँ पे जो 1/5 है ये जो कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है? तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं 3 and half बोलता हूँ, मतलब कि 3 है और कोई हाफ है, मतलब कि 3 और half, जैसे मैं इसको बोलता हूँ, जैसे 3 रुपए है और मेरे पास 50 पैसे है, ठीक है? मैं ऐसे बोलता हूँ 3 रुपए and 50 पैसे, तो मैं ऐसे बोलता हूँ 3 and half है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 plus half, और 3 plus half को मैं जो वो मिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 plus half को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ 3 and 1/2, बस इसका प्लस हटा दो बीच में से, इसको इसके साथ चिपका दो, 3 and half बन गया। इसी को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। बोलो यहाँ तक जल्दी से, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? ओके, तो अब मैं बिल्कुल अपोजिट लेकर के चलूंगा मिक्स फ्रैक्शन से, जो वो मैंने अब इम्प्रॉपर में चेंज करना है। जैसे मैं एक मिक्स फ्रैक्शन ले रहा हूँ, जैसे 9 and 1/8, अभी आप नहीं बोलेंगे, जब मैं आपसे पूछूंगा तब आप बोलेंगे, ठीक है? तो 9 and 1/8, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है क्यू आर डी की फॉर्म में ए है पहले से ही, माइक ऑफ करें लिटेश, क्यू आर डी की फॉर्म में ये पहले से ही है, क्यू आर डी की फॉर्म में पहले से ही है। अब देखिए कैसे इसको जो को चेंज करना है इम्प्रॉपर में, आपको पता है डिवाइजर तो नीचे ही होगा पहले से ही, डिवाइजर हमें पहले से ही पता है 8 है, तो 8 पहले से ही नीचे लिख लिया मैंने, बस ऊपर वाला नंबर निकालना है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कैसे निकालते हैं, इस 9 को 8 से, मतलब कि क्यू को डी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? 9 को 8 से मतलब कि क्यू को डी से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करना है जो भी आपका रिमाइंडर है, जैसे 1 है ऊपर तो रिमाइंडर को प्लस करना है, बस इतनी सी बात है। आपने जो वो ऐसे इसको सॉल्व करना है, ध्यान रखें यहाँ पे कि 9 8 जा पहले कर लें, फिर जो वो उसमें प्लस करें रिमाइंडर। तो 9 8 जा कितना होता है जल्दी से बताएं सभी। 72 होता है, तो 72 में 1 प्लस किया तो 73 हो जाएगा, 73/8 इसका आंसर आ जाएगा, 73/8। तो कुछ इस तरह से आपने ऊपर से इम्प्रॉपर में या इम्प्रॉपर से जो वो प्रॉपर में चेंज करना है। तो जल्दी से बताओ, जिसको कुछ पूछना है वही बोलो, जिसे समझ आ चुका है वो जो वो चुप रहे। ओके, तो इसका मतलब है सभी चुप हैं, तो उसका मतलब है सभी को समझ आ चुका है। एक बार बताएं सबको क्लियर हुआ या सोनो? तो ये तो था आज का जो टॉपिक था, वो हमने आज जो डिस्कस किया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? जो पिछले कल जो हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, पूरी ही एक्सरसाइज वो कंप्लीट कर ली थी 6.5, तो उस 5 मिनट के लिए देखते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है? 5 मिनट में उसको कंप्लीट करते हैं, फिर जो वो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो वो देखा था कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक। देखिए अभी तक हमने जो वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सीखा है, अभी हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में जो वो दो फ्रैक्शन की बात होगी, दो से ज्यादा की बात हो सकती है, ठीक है? एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन नहीं होता, दो फ्रैक्शन की बात होगी। जैसे हम लोग जो वो कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो कॉमन फैक्टर में जो वो दो नंबरों की बात होती है, दो नंबरों में से कॉमन निकलता है, वैसे ही लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में जो दो नंबरों की बात होगी, दो फ्रैक्शन की बात होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 3/5, चुप रहे अभी अभी ना बोलें बीच में, मैं आपसे पूछूंगा बाद में। जैसे मैंने लिखा 3/5 और लिखा मैंने 4/5, इनके जो डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शन के वो सेम है, अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो मैं बोल सकता हूँ ये जो लाइक फ्रैक्शन है। बोलो लाइक फ्रैक्शन पता चला आपको, यस और नो? लाइक फ्रैक्शन के बिल्कुल अपोजिट आपने जो वो अनलाइक फ्रैक्शन बोलना है, ठीक है? लाइक फ्रैक्शन के बिल्कुल अपोजिट आपने अनलाइक फ्रैक्शन बोलना है। अब अनलाइक क्या होंगे, जिनके जो वो डिनोमिनेटर सेम नहीं हुए, जैसे 5/6 लिखा, 7/8 लिख दिया मैंने, देखिए यहाँ पे 6 है यहाँ पे 8 है, सेम तो नहीं है, जब तक सेम नहीं होंगे वो तब तक लाइक फ्रैक्शन नहीं होंगे, तो ये जो वो अनलाइक फ्रैक्शन में काउंट होंगे। तो लाइक और अनलाइक का पता चला जल्दी से, बोलो यस और नो?
अब वही बोलेंगे जिनको कुछ पूछना है, बाकी चुप रहे सभी। एक्सक्यूज मी सर, बोलो कनिका, बोलो सर। आप अनलाइक वाले फिर से बता दोगे? अनलाइक वाला सुनो फिर से, अनलाइक फिर से सुनो। अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होंगे जिनके डिनोमिनेटर जो वो सेम नहीं होंगे, या मैं बोलता हूँ जिनके जो वो जो लाइक फ्रैक्शन नहीं है वो अनलाइक होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा 5/8, मैंने लिखा 11/7। देखिये दो फ्रैक्शन है, ये और भी फ्रैक्शन हो सकते हैं। जैसे मैंने 12/7 लिख लिया या 9 लिख लिया, कुछ भी लिख लिया। ठीक है, इनमें आप तीनों फ्रैक्शन को देखिए ध्यान से, इनमें जो भी डिनोमिनेटर है तीनों के, जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, अलग अलग है, डिफरेंट है सभी में। ठीक है, सभी में डिफरेंट अगर डिनोमिनेटर हो तो वो अनलाइक होते हैं। ठीक है, वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, ना कि लाइक फ्रैक्शन। तो अब पता चला, बोलो। यस सर। ओके, लाइक और अनलाइक। ओके 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 ओके, लाइक और अनलाइक के बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं कि सर आप, हाँ बोलो, 6.5 का वन क्वेश्चन बता दोगे? 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बोलो। यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी। ठीक है, उसमें क्या बोला था? उसमें बोला था कि आपने टू लाइक फ्रैक्शन लिखने हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था 5/7 का, तो 5/7 के जो वो लाइक फ्रैक्शन आप कई सारे लिख सकते हैं। जैसे 6/7 आ गया, नेक्स्ट फिर 8/7, बस आपने कई सारे लिख सकते हैं, बस डिनोमिनेटर जो वो सेवन हो। जैसे 11/7 भी हो जाएगा, 12/7 भी हो जाएगा, 13/7 हो जाएगा। ठीक है, बस नीचे 7 हो, बाकी ऊपर जो वो जो मर्जी लिख लो। ठीक है, जो मर्जी लिख लो ऊपर। तो ऐसे लिखना था आपने सभी में। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे 4/9 था, तो 4/9 के जो वो एक सॉरी इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट अलग होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट का से जो वो यहाँ पे कंफ्यूज ना करें आप। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है, तो 4/9, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, ये जो वो मैं इसके बिल्कुल लाइक फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, 4/9 के लाइक फ्रैक्शन, तो नीचे मैंने 9 लिख लिया सभी में। ठीक है, 4 लिख रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ पे 6 लिखा है, 7 लिख लिया, यहाँ पे 8 लिख लिया, बस नीचे 9 हो सभी में, वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। ओके ओके, एक बार ही यस करें, बार बार ना करें। ओके, तो हमने जो वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में तो आपको पता है। एक बार एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपने बताना है कि आपने जल्दी से बताना है, मैं देखूंगा किसका आंसर जो वो सबसे पहले आया। मुझे यहाँ पे नाम का पता चल जाता है जिसने सबसे पहले बोला, तो सभी एकदम से अपना। हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। माइक ऑफ रखे सभी, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जब मैं आपको बोलूंगा कि अब बता सकते हैं, तब अपना अपना माइक जो वो ऑन करें। मुकुल शर्मा अपना माइक ऑफ कर दो, मुझे यहाँ पे पता लग जाता है किसका माइक जो वो ऑन है। तो एक एग्जांपल लिखूंगा मैं यहाँ पे, आपने बताना है कि वो जो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तीन फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मुझे बताइए प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, पहले ये पूछता हूँ मैं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर आपने बताना है जल्दी से। जैसे मैंने लिखा 9/6, बताइए प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यस ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, क्योंकि उसमें जो वो 9/6 में देखिए, ऊपर वाला जो वो बड़ा है, न्यूमिनेटर जो वो यहाँ पे ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो न्यूमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब इम्प्रॉपर होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर हो गया। हाँ मुझे बताइए ये कौन सा फ्रैक्शन है, 2/1/4, जल्दी से। यस ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे देखिए 2/1/4, यहाँ पे कोई होल नंबर है, यहाँ पे एक जो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जब इनका मिक्सचर हो जाता है तो यहाँ पे बन जाता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वो आपको क्लियर हो चुका है, 6.5, 6.6 जो हमने कर ली। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, एक एक से जल्दी जल्दी से अपना माइक ऑन करें, जिसका मैं नाम लूंगा वो माइक ऑन करें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे काव्य गुप्ता। यस सर। हाँ सभी सुन लें कि 5 सेकंड के बाद जो वो सभी आंसर दे सकते हैं, चाहे वो 6th वाले हो चाहे वो 4th वाले हो। ठीक है, 5 सेकंड के बाद, अगर जैसे काव्य से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो काव्य अगर 5 सेकंड काउंट करें, तो 5 सेकंड तक जो वो आंसर नहीं बता पाई तो कोई भी आंसर बता सकता है फिर।
ठीक है, तो इसलिए सभी तैयार रहे। काव्या से है क्वेश्चन की मैंने लिखा 2 and 1/4, इसको चेंज करिए जल्दी से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्या आएगा जल्दी से बताइए। नीचे तो 4 ही होगा, ऊपर वाला बताओ जल्दी से क्या होगा। सर 5। गलत आंसर है। 9/4। यस 9/4। पहले 9/4 आ गया। यस वेरी ओके, 9/4 जो वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा था सुनिए सभी, 2 and 1/4 आपने अब जो वो लिखना, तो आपने वैसे ही है कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 किया और नीचे 4 किया, ठीक है ऐसे करना है। लेकिन आपको एकदम से भी पता होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 and 1/4, तो यहाँ पे क्या करना है, 4 2 8 और प्लस 1 करें 9, नीचे 4 ही होगा, ये नीचे फिक्स है पहले से, ये 4 ही होगा। लेकिन ऊपर वाला क्या होगा, जैसे 9 है, 4 2 8 और ऊपर वाला प्लस करें 9, 4 2 8 एंड ऊपर प्लस करें 9, खत्म। ठीक है, ऊपर वाले को जो भी मल्टीप्लाई किया उसका प्रोडक्ट आया, ऊपर वाले को उसमें जो वो प्लस कर दो और आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा रितेश से। रितेश माइक ऑन करें जल्दी से। यस सर। 2/9 लिखा मैंने यहाँ पे, 2/9 जो वो कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? सर इम्प्रॉपर है। गलत आंसर है। यस प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा सुनिए सभी, एक बार मैं फिर से बता दूं सबको, मैंने लिखा था यहाँ पे 2/9, अगर न्यूमिरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ऊपर वाला छोटा हो प्रॉपर है, अगर ऊपर वाला बड़ा हो, जैसे 9/2 लिख दिया मैंने, ठीक है यहाँ पे ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है तो ऊपर वाला बड़ा होगा तो वो जो वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें, रितेश का ध्यान बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है सौरभ। सर यस 1/9 लिखा मैंने यहाँ पे, फिर 2/9 लिखा मैंने यहाँ पे, ये जो वो एक लाइक फ्रैक्शन है, तो इसके लाइक फ्रैक्शन जो वो और बताइए कोई लाइक फ्रैक्शन इसके जैसा, जैसे 1/9 2/9 और क्या हो सकता है? 3/9 4/9 हो सकता है, 6 जितना मर्जी जो मुझे लिखते हैं, ठीक है ओके ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, लेकिन ध्यान रखें जैसे आप 9/9 लिखेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा, ठीक है तो इस बात का ध्यान रखें। पर होगा वो होगा वो लाइक फ्रैक्शन ही, क्योंकि 1 को जो आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 9/9 आप जो वो ऐसे लिख सकते हैं, तो वो भी उसके तो लाइक फ्रैक्शन जैसा ही होगा, ठीक है लाइक फ्रैक्शन ही होगा उसका वो, लेकिन ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। ओके नेक्स्ट है सूर्या। यस सर। सूर्या मुझे बताओ 1 and 2/3 इसको जो आप चेंज करिए जल्दी से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, नीचे 3 होगा मुझे पता है, आपको भी पता है, ऊपर क्या होगा जल्दी से बताएं। 2। गलत आंसर है। 5 होगा, ठीक है 5 कैसे होगा वो सुनिए, 5 जो वो कैसे होगा वो सुनिए। 5 ओके 5 कैसे होगा, देखिए 3 1 3, आपको अभी बताया कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 1 से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 3 1 3 आ गया, ये जो ऊपर वाला लिखा है 2 उसमें जो प्लस करो 3 + 2 5, ठीक है 5/3। अच्छा ये जो व्हाइट कलर से मैं लिख रहा हूँ ये आपको अच्छा लग रहा है, यस और नो? यस सर। मैं व्हाइट कलर से ही लिखूंगा। ओके तो नेक्स्ट है यहाँ पे इशिता। इशिता माइक ऑन करें। ओके इशिता नहीं है। अर्शिया, अर्शिया माइक ऑन करें जल्दी से। यस सर। हाँ अर्शिया मुझे बताओ, जैसे मैंने लिखा 33/7, 33 को देखिए सुनिए पहले ध्यान से, अभी कोई ना बोले, इसको आपने QRD की फॉर्म में लिखना है, मतलब कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। आपको पता है कि D जो वो यहाँ पे नीचे 7 होगा, ठीक है मुझे रिमाइंडर नहीं बताना है, मुझे सिर्फ क्वेश्चन बताना है कि आपने जो वो इसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया और किसके आसपास से आ गया, तो क्वेश्चन तो वही आएगा। मुझे बताओ 33 को 7 से डिवाइड करके जो वो क्वेश्चन क्या आएगा जल्दी से। गलत आंसर है, 7 7 जाए तो 49 होता है, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ओके 4 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा 4, सुनिए ध्यान से, 33 लिखा मैंने, 33/7 था,
आपको इसको क्यू आर डी की फॉर्म में, मतलब कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, नीचे तो डिवाइजर होगा सेवन, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो क्यू क्यू मतलब कोशिंट, तो सेवन का टेबल पढ़ो, 33 के आसपास आना चाहिए, 33 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो सेवन फोर जो होता है 28, सेवन फाइव जो है तो 35 होता है, जो कि बड़ा है। तो फोर यहाँ पे आ जाएगा, तो फोर जो वो यहाँ पे क्यू की जगह लिखे, जैसे मैं कुछ और कलर से, फोर यहाँ पे आ जाएगा। और रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर भी आपने बिना कैलकुलेशन करे जो वो आपको आना चाहिए, जैसे सेवन फोर जा 28, 29, 30 और 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ऐसे आपको जल्दी से पता होना चाहिए। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को, यस और नो? यस सर। ओके, दिग्विजय है नेक्स्ट? दिग्विजय, दिग्विजय, दिग्विजय मुझे बताओ 31/6 कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है ये, किस फ्रैक्शन का एग्जांपल है? इम्प्रॉपर। यस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नक्षिता ने बता दिया, नक्षिता ने बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए जब मैं फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा फ्रैक्शन है, तो या तो वो प्रॉपर होगा, या तो इम्प्रॉपर होगा, या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में तो दो फ्रैक्शन कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो लाइक और अनलाइक तो या तो एक ही था, तो इसका मतलब है या तो प्रॉपर होगा या तो इम्प्रॉपर होगा। मिक्सड का तो आपको पता है, मिक्सड की जो फॉर्म है वो तो क्यू आर डी की फॉर्म में होता है। तो दो ही तो एग्जाम्पल थे यहाँ पे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर बताना था आपने। ओके, नेक्स्ट है दामिनी। यस सर। हाँ दामिनी बताओ, ये कौन सा फ्रैक्शन है, 3 and 4/5, ये कौन सा फ्रैक्शन है? हाँ जल्दी से बताओ दामिनी। सर मिक्स्ड फ्रैक्शन। यस, काव्य ने बता दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि 5 सेकंड हो चुके हैं, तो जल्दी बताना है आंसर। आपको अभी बताया मैंने, अभी इससे पहले मैंने यही बात की कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो वो क्यू आर डी के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ए जो 3 है वो क्यू है, यहाँ पे ए जो 4 है वो आर है, ये जो 5 है वो डी है, डिवाइजर है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। और क्या बोलना था इसमें? नक्षिता है नेक्स्ट। यस सर। नक्षिता मुझे बताओ 3/8 और 2/8 में बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? माइक ऑफ करें दामिनी। यस सर। 3/8 यस वेरी गुड, 3/8 जो वो बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है। 3/8 जो वो बड़ा फ्रैक्शन, ये जो वो सिक्स वाले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन में सिक्स वालों से पूछ रहा हूँ, जो भी सिक्स वाले हैं यहाँ पे जितने भी हैं वही आंसर देंगे, थर्ड वाले नहीं बताएंगे। सिक्स वालों से पूछ रहा हूँ, देखते हैं सिक्स वालों में से कौन आंसर देता है सबसे पहले। फोर्थ वाले। यस, थर्ड नहीं फोर्थ वाले, ठीक है। ओके, हाँ अब आप जल्दी बोल रहे, जब आपने जब आपसे आंसर पूछा तब आप नहीं बोल रहे थे कुछ है दामिनी, तब आपने कुछ नहीं बोला, फालतू की बातें जल्दी सुनाई देती है तुम्हारे। जब आपको पता है कि फोर्थ वाले हैं तो फिर मैंने थर्ड बोल दिया तो क्या हो गया फिर? ओके, तो मुझे बताओ सिक्स वाले बताएंगे। मैंने लिखा यहाँ पे 8/7 एंड यहाँ पे लिखा मैंने 7/ चलिए 2/7 लिखा, ठीक है। तो बताइए जल्दी से कौन सा फ्रैक्शन जो वो छोटा है, सिक्स वाले बताइए। ठीक है, 2/7 जो यहाँ पे छोटा था, ठीक है। तो छोटा सा एग्जांपल बता दिया मैंने, कुछ और पूछना था वैसे। अच्छा 8/7 और 8/9, अब बताइए कौन सा फ्रैक्शन जो वो बड़ा फ्रैक्शन है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, 8 के 7 पार्ट हुए, 8 के यहाँ पे 9 पार्ट हुए, दोनों नंबर इक्वल थे, न्यूमिनेटर सेम थे, जिसका मतलब जिसके कम पार्ट हुए वो नंबर बड़ा होगा। तो इस फर्स्ट फ्रैक्शन के 8/7 के कम पार्ट हुए, इसका मतलब है बड़ा फ्रैक्शन है। बड़े फ्रैक्शन में जो वो मतलब कि पहले वाला बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन लगाए, सिंपल। ओके नेक्स्ट है यशवी। यस सर। यस, मुझे बताओ 7/3/4, ये जो वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से जो वो इम्प्रॉपर में चेंज करना है, नीचे 4 है, न्यूमिनेटर में क्या आएगा बताइए। सर आप क्वेश्चन वापस रिपीट करना।
सेवन एंड थ्री अपॉन फोर, ठीक है, ये जो वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मैंने इसको जो वो इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो नीचे तो मैंने लिख लिया फोर क्योंकि ये तो पहले से फिक्स है, ऊपर बताओ क्या होगा माइक ऑफ करें सभी। 31 होगा, देखिए कैसे ये 21 कौन बोल रहा है बार बार फिर से, जब मैं बोल रहा हूँ कि 31 होगा तो फिर 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, तो 28 में ऊपर वाला क्या करना है प्लस करना है, तो 28 प्लस 3 कितना होता है 31 होता है, तो 31 आएगा यहाँ पे 31 अपॉन 4। एक बार अगर आपको फिर से समझ नहीं आया है तो एक बार मैं फिर से बता दूं मैं कैसे जो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना, जैसे 9 and 1/8 बाइक ऑफ रखें सभी, एक बार फिर से सुन लो, ये जो वो क्यू आर डी की फॉर्म में है, आपने क्या करना है सिंपली नीचे 8 होगा इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए, इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें, 9 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 9 8 का कितना होता है जल्दी से बताएं, 72 होता है, यस 72 होता है, तो 72 जब आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, माइक ऑफ करो सभी, माइक ऑफ करो सभी, प्रांजल माइक ऑफ करो, 9 8 जब 72 होता है, अब जब 72 आ ही चुका है मल्टीप्लाई करके, तो ये जो ऊपर बचा है 1 इसका भी तो यूज करना है आपने, तो इसको प्लस करना है, तो 73 अपॉन 8 जो वो यहाँ पे आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, ऐसे आपने करना है। नेक्स्ट है तरुण, तरुण माइक ऑन करें जल्दी से, yep. हाँ तरुण मुझे बताओ कि 5/6 लिखा मैंने, ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? सर इम्प्रॉपर। गलत आंसर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर। पता है आप क्या, आप जल्दबाजी में आंसर दे रहे हो, ठीक है, जब मैंने पूछा प्रॉपर या इम्प्रॉपर, ठीक है, आपको जो लास्ट में सुनाई दे रहा है जैसे इम्प्रॉपर तो इम्प्रॉपर बोल रहे हो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि मैं पूछ कह रहा हूँ, आप पहले इसको देखिए, सिर्फ मुझे मत सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर और इम्प्रॉपर बोल रहा हूँ, आपको लास्ट में सुनाई दिया इम्प्रॉपर तो आपने बोल दिया इम्प्रॉपर ऐसे जल्दबाजी में, आप इसको देखिए तो सही, न्यूमरेटर जो वो छोटा है डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो उसका मतलब है वो प्रॉपर है, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए इम्प्रॉपर के लिए। नेक्स्ट है प्रियंशी। यस सर। 38/9 लिखा मैंने प्रियंशी, 38/9 ये जो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैं ही बता देता हूँ, इसको आपने जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कोशेंट कितना है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करती बार कोशेंट कितना आएगा, यस वेरी गुड 4 आ जाएगा, क्योंकि 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, तो 36 4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर जो वो 2 बचा है यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा और 9 तो नीचे रहेगा, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में देखिए चेंज कर दिया, आपको कोशेंट का पता होना चाहिए, बाकी जितना जो वो ये बड़ा है उससे जो माइनस करके जो रिमाइंडर निकल जाएगा 4 and 2/9 जो वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है अखिलेश। यस सर। अखिलेश मुझे बताओ 3/8 लिखा मैंने एंड मैंने लिखा 8/20 ये दोनों कौन से फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है, ये दोनों कौन से फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है, लाइक या अनलाइक? अनलाइक। यस अनलाइक है, क्योंकि अच्छा अनलाइक क्यों है, रिया शर्मा बताओ, रिया शर्मा कि अनलाइक फ्रैक्शन जो वो ये क्यों है, अनलाइक फ्रैक्शन क्यों है, वाई रिया शर्मा बताए, नो रिया ठाकुर बताओ, तब तक रिया ठाकुर या रिया शर्मा में से कोई भी जल्दी से, लक्ष्य 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 के नाम से जो भी है लक्ष्य ठाकुर, लक्ष्य का ब्लॉग, क्योंकि नीचे यस यस क्योंकि नीचे अलग अलग है, नीचे जो वो डिनोमिनेटर इनके जो डिफरेंट है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, यस जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो वो अनलाइक होते हैं, ठीक है ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा प्रांजल से और नीरल से, क्योंकि टाइम कम है तो दो दो से अब मैं पूछ रहा हूँ, प्रांजल और नीरल देखते हैं कौन आंसर देगा, सबसे पहले प्रांजल और नीरल, 9/10 लिखा मैंने और 8/10 लिखा मैंने, इसमें जो वो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है,
9/10 जो, अच्छा रुकिए, मैंने पूछा था बड़ा फैक्टर कौन है, यस 9/10 जो वो बड़ा फैक्टर, क्योंकि 9 जो वो यहाँ पे बड़ा है, 8 से छोटा, 8 से बड़ा है 9, न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है, जैसे अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर होता है वही बड़ा फ्रैक्शन होता है, 9 बड़ा 8 से, तो 9/10 इज ग्रेटर देन 8/10, ठीक है, ओके सर 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन्वी से लक्षिता से, तन्वी और लक्षिता से, माइक ऑन करो दोनों जल्दी से, फाइव एंड 3/5 लिखा मैंने यहाँ पे, मुझे बताओ जो 3/5 है ये कौन सा फ्रैक्शन है, 3/5 ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे 3/5 है ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? सर प्रॉपर, यस प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि इसका जो वो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ओके तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, अब कोई भी जो वो इसका आंसर दे सकता है, ठीक है, कोई भी इसका आंसर दे सकता है, एक कठिन क्वेश्चन होगा जो कि आप जरा सोच के जो आंसर देंगे, सिक्स्थ वाले भी और फोर्थ वाले भी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको नहीं बताया है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच करके आंसर दें, ठीक है, बस थोड़ा सा आपने देखना है कि कैसे मैंने बताया, आप उसका आंसर दे सकते हो बड़े आराम से वैसे, पर सोच करके देना, ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2/9, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा, माइक ऑफ करें सभी, मैंने लिखा 2/9 और मैंने लिखा 9/2, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो वो छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, 2/9 हाँ माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, मैंने क्या पूछा था सुनिए ध्यान से, मैंने पूछा 9/2 और 2/9 में जो वो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पे ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन मैंने आपको एक लॉजिक बताया है कि जैसे आपने क्या करना है, जो मेथड है इसको चेक करने का, 9 के यहाँ पे 2 पार्ट, लेकिन 9 बहुत बड़ा नंबर है, इस 2 से 9 के यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्ट होंगे, बड़े बड़े पार्ट होंगे, यहाँ पे जो 2 है वो बहुत छोटा है, इसके 9 पार्ट होंगे, तो ये तो बहुत छोटा है पहले से, इसके 9 पार्ट कर दिए तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसका मतलब 9/2 जो बड़ा हो, तो ऐसे आप इस समझेंगे तो आपको जो वो कभी भी नहीं भूलोगे आप, बोलो सबको क्लियर है, यस और नो, यस सर, यस सर, ओके, तो टाइम भी हो चुका है, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाकी लेफ्ट हो जाए फोर्थ वाले सभी, और ओके लेफ्ट हो जाए सभी, नेक्स्ट क्लास में उसमें ज्वाइन करो, ओके बाय सर, नेक्स्ट डे सर।